आज हम डिफरेंस देखने वाले हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हमने डेड लोड लाइव लोड पे अगर एनालाइज किया है और सिस्मिक एनालाइज पे एनालाइज किया है, दोनों को अलग अलग दोनों का रेनफोर्समेंट कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस आता है, दोनों के साइजेस में डिफरेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपके सामने जो डिस्प्ले पर स्ट्रक्चर है ये हमने डेड लाइव पे एनालाइज किया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन में डेड लोड लाइव लोड, सिर्फ डेड लाइव का अनफैक्टेड लोड कॉम्बिनेशन और फैक्टेड लोड कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो सिर्फ डेड और लाइव के लिए ये स्ट्रक्चर हमने एनालाइज किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि मॉडल हमारा रन है और उसके रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। ठीक है, इसमें हम किसी भी एक बीम और एक कॉलम का रेनफोर्समेंट देख लेंगे, नोट कर लेंगे, और सेम स्ट्रक्चर को हम सिस्मिक एनालाइज करेंगे और उसका रेनफोर्समेंट देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, कितना डिफरेंस आता है, तो वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कोई भी एक कॉलम पकड़ लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं इस कॉलम का, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे 14.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें, क्योंकि ये mm स्क्वायर में है तो 1482 है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे जस्ट नीचे 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर 7 है। अगर हम नीचे से नोट करते हैं, एक एक्सेल शीट में नोट कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे। ठीक है, सबसे पहले कॉलम नीचे से स्टार्ट करेंगे, 7.5 है तो 8 करेंगे, 8.7.4.3। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 और 15। ठीक है, ये हमने कॉलम का रेनफोर्समेंट नोट कर लिया सिर्फ डेड लाइव पे, डेड लोड और लाइव लोड पे जो हमने एनालाइज किया है सिर्फ उसका हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पर सिस्मिक एनालाइज का जो होगा हमारा वो यहाँ पर नोट करेंगे, दोनों में कंपेरिजन करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर बीम का करते हैं, कोई भी एक बीम पकड़ लेते हैं, ये वाली बीम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसी के पास वाली बीम। ठीक है, इस बीम का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम डिज़ाइन सेक्शन में 412, चार नंबर ऑफ बार 12 mm डाया के यूज़ हो रहे हैं, 4 12, उसके आगे भी 4 12, उसके आगे भी 4 12 और नीचे 4 10। ठीक है, जो सपोर्ट्स हैं बीम की, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है तो यहाँ जो कॉर्नर्स हैं उसमें टॉप में रेनफोर्समेंट देगा और जो नीचे मिडिल में देगा मैक्सिमम, तो यहाँ पर 4 12 टॉप में यूज़ हो रहा है कॉर्नर्स पे और बीच में नीचे 4 10, तो 4 12 और 4 10 यहाँ पर अपने समझने के लिए लिख लेते हैं बीम के केस में, 4 @12, ये है हमारा टॉप एंड, टॉप एंड, और यहाँ पर है ये बॉटम। ठीक है, ये बॉटम है, ये कितना था 4 10, 4 नंबर ऑफ बार और 10 mm डाया, ये हमारा बीम के लिए था BEAM, और ये हमारा कॉलम के लिए था COLUMN कॉलम। ठीक है, ये हमारा डेड और लाइव के लिए है। ठीक है, डेड लाइव के लिए यहाँ पर हम दे देंगे डेड लाइव, DEADLIVE, डेड प्लस लाइव, सिर्फ दो कॉम्बिनेशंस में डेड प्लस लाइव में। यहाँ पर सिस्मिक में देखेंगे अगर हम इसी के जस्ट सामने सिस्मिक में देखेंगे कि कितना आ रहा है सिस्मिक, जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी वेरिएशन आएगा हमें यहाँ पता लग जाएगा। यहाँ पर हम कॉलम का रेनफोर्समेंट दे देंगे, यहाँ पर बीम का देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है। तो आज हमारे दो टॉपिक हैं, एक तो हम डिफरेंस देखने वाले हैं डेड लोड और लाइव लोड में कि कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे दोनों मॉडल में। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, एक पे हमने ऑलरेडी डेड लोड लाइव लोड एनालाइज कर लिया है और दूसरे में आज सिस्मिक एनालाइज पढ़ने वाले हैं। साथ में आप कंपेरिजन तो देख ही रहे हैं, आप सिस्मिक एनालाइज भी सीखेंगे। सिस्मिक एनालाइज में स्टेटिक मेथड जो है, सिस्मिक एनालाइज में स्टेटिक मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं, डायनेमिक मेथड किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेटिक मेथड के लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले स्टैटिक मेथड स्टार्ट करने के लिए आपका जो स्ट्रक्चर है उसके जॉइंट वेट्स लेने होंगे, कॉलम के जॉइंट वेट्स, क्योंकि कॉलम जो है, कॉलम के जो सपोर्ट्स हैं, जैसे ये है,
कॉलम के जो यहाँ पर आपके जितने भी कनेक्शन आप इसमें बोलेंगे, ठीक है, इन पे ही सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का फोर्स आएगा जब अर्थक्वेक अप्लाई डायरेक्शन से हो, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जब भी होगा तभी इन सपोर्ट्स पे ही सबसे ज़्यादा लोड आएगा। तो इन सपोर्ट्स के हमको जॉइंट वेट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमको कॉलम सिलेक्ट करने हैं अर्थक्वेक के लिए। ध्यान रखना है अभी हमने सिर्फ डेड लोड पे हमने अपने मॉडल को एनालाइज किया हुआ है। अब अर्थक्वेक स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थक्वेक की कमांड देने वाले हैं सिस्मिक एनालाइज, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट पैरेलल टू वाई में जाएंगे और कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर एलिवेशन में जाएंगे कॉलम के, और यहाँ नोट कर्सर से इन कॉलम के जितने भी सपोर्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इनको हमने सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जनरल में जाएंगे और यहाँ सपोर्ट में जाने के बाद क्रिएट में जाके पिन सपोर्ट यहाँ पर असाइन करा देंगे। जितने भी सिलेक्ट थे हमारे जॉइंट्स सभी को हमने पिन सपोर्ट असाइन करा दी। पिन सपोर्ट असाइन कराने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक रेफरेंस मॉडल चाहिए होगा जो आपको सिस्मिक एनालाइज में हेल्प करेगा। पूरी हेल्प क्या करेगा हम देख लेते हैं वीडियो में। एक मेरे पास ऑलरेडी सिस्मिक एनालाइज का मॉडल है, उसी को रेफरेंस मानते हुए मैं इसके इनपुट में जाता हूँ, इनपुट फाइल में, ठीक है। ये इनपुट फाइल है मेरे पास, इस इनपुट फाइल से मुझे क्या डेटा कॉपी करना है, मुझे सिस्मिक एनालाइज की कमांड कॉपी करनी है, जो सिस्मिक एनालाइज की कमांड होती है, और उसके बाद हम अपने एडिटर में जाके पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद वहाँ पर एडिट करेंगे अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो है ये इस स्ट्रक्चर को, इस जो स्ट्रक्चर मेरा रेफरेंस का है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से सिस्मिक एनालाइज की जो कमांड स्टार्ट होती है डिफाइन से होती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है डिफाइन कहाँ है इनपुट में, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कैपिटल में DEFINE डिफाइन। आपने डिफाइन जैसे ही सर्च किया यहाँ पर शो हो गया। तो एक डिफाइन ये शो हुआ, फिर आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ से, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। आपको डिफाइन के साथ साथ ये भी देखना है कि जो आपका कोड है सिस्मिक एनालाइज का 1893 वो भी होना चाहिए। यहीं से आपकी सिस्मिक एनालाइज की कमांड स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से डिफाइन से लेके और लोड केस 2 तक हमें कॉपी कर लेना है डेटा, ठीक है। लोड केस 2 तक डेटा कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अपने ओरिजिनल वाले जिसमें आप वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट में उसमें जाना है और पेस्ट कर देना है उसके इनपुट फाइल में। कहाँ पर पेस्ट करना है, जहाँ पर इसकी लोकेशन होती है एग्जैक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी लोकेशन होती है डेड लोड से जस्ट ऊपर, मैं आपको वहाँ भी दिखा दूँगा। डेड लोड से जस्ट ऊपर आपने कॉपी कर दिया, यहाँ पर डेड लोड है हमारा, डेड लोड की है लोड केस 3, डेड लोड इससे जस्ट ऊपर हमने यहाँ पर ये अर्थक्वेक की कमांड को कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया है, और इससे हम फिलहाल हाइड कर देंगे। हाइड करने का आपका ये बटन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके तो सारा हाइड हो जाएगा, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें जॉइंट वेट्स चाहिए। जॉइंट वेट्स क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा फोर्सेस जॉइंट्स पे ही अप्लाई होते हैं, तो इसलिए हमें जॉइंट वेट्स चाहिए। जॉइंट वेट्स के लिए हमें क्या चीज़ क्या करना होता है, नंबर वन पिन सपोर्ट जो हमने ऑलरेडी दे दी है जॉइंट्स को, जितने भी कॉलम के जॉइंट्स हैं सभी को, ठीक है। और नंबर टू में आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ और कॉपी करके लेके आना है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आपको फिर से रेफरेंस मॉडल में जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी लोड कॉम्बिनेशन है जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आपके लोड कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हो गए। जहाँ भी लोड कॉम आपको अगर नहीं मिल रहे लोड कॉम्बिनेशन, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है LOADCOMB लोड कॉम और सर्च कर देना, एंटर कर मार देना है। तो आपने देखा कि यहाँ से जस्ट ऊपर ये ग्रीन वाला भी आपको कॉपी करना है, क्योंकि यही मेन है हमारा जॉइंट वेट्स फाइंड आउट करने के लिए। बाकी ये डिज़ाइन कॉम्बिनेशन हैं, ठीक है। तो इनको हमने यहाँ से कॉपी किया, और कहाँ तक करना है आपको, लोड लिस्ट 19 जो यहाँ पर लिख रहा है, ये जो लिख रहा है लोड लिस्ट 19 to 31, यानी कॉन्क्रीट डिज़ाइन से जस्ट ऊपर, यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, अपनी रेफरेंस फाइल से। कॉपी करने के बाद आपने इसको पेस्ट करना है कहाँ पर, आप देख लीजिए यहाँ पर लोकेशन क्या है, लोड लिस्ट 4 लाइव लोड के जस्ट नीचे पेस्ट करना है आपको यहाँ अपने मॉडल में। तो हमने इसको कट करके और अपने मॉडल में जाएंगे, और लाइव लोड जो है लाइव लोड यहाँ पर निकाल लेंगे। कहाँ है हमारा लाइव लोड, ये है लाइव लोड, और लाइव लोड की कमांड कहाँ है, यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे जो हमारे जॉइंट वेट्स हैं, और इन सब जॉइंट वेट्स को अभी फ़िलहाल हम बंद कर देंगे, ठीक है। हमने इन्हें हाइड कर दिया है बटन से, हाइड हो गया।
अब हमें जॉइंट वेट्स फाइंड आउट करने थे, मैंने आपको बताया था। ये तो डिज़ाइन कमांड्स, ये जो आपके कॉम्बिनेशन है यहाँ से 10 नंबर से ही डिज़ाइन कॉम्बिनेशन है, इससे जस्ट ऊपर जो है ये आपका जॉइंट वेट्स के लिए है, जॉइंट वेट का कॉम्बिनेशन है। तो इस जॉइंट वेट के कॉम्बिनेशन को हम ऑन कर देंगे, यहाँ से हमने ऑन कर दिया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। जॉइंट वेट्स का कॉम्बिनेशन ऑन रखा है और हमने पिन सपोर्ट ऑन रखी है, बाकी जो अर्थक्वेक की कमांड्स हम लेकर आए थे उन सबको हमने ऑफ किया हुआ है, और लोड कॉम्बिनेशन को भी हमने हाइड किया हुआ है, अभी दोनों को हाइड किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। लोड कॉम्बिनेशन 1000 इसका नाम हमने से यहाँ पर दिया है, जो आप सीधा कॉपी करके आए हैं, और डेड लोड में हमने 100% लिया है और लाइव लोड 25% लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमसे जो कोड है सिस्मिक एनालिसिस का IS 1893 Part 1, वो हमें बता रहा है कि जब आपको जॉइंट वेट्स लेने हैं तो आपको डेड लोड 100% लेना है और लाइव लोड 25% लेना है। तो हमने यहाँ पर वही किया है, हमारा 3 नंबर जो है डेड लोड का केस नंबर है 3 नंबर, और ये 4 नंबर जो है ये लाइव लोड का केस नंबर है। तो इसको स्टेट प्रो को बताया कि 3 नंबर हमने 100% लिया है और 4 नंबर हमने 0.25 यानी 25% लिया है। ठीक है, इसी के लिए हमें जॉइंट वेट्स चाहिए, और नीचे हमें परफॉर्म एनालाइज ज़रूर लिखना है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको एरर देगा, और लास्ट में फिनिश लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने अपना इतना काम कर लिया है जॉइंट वेट्स के लिए। अब हमें जॉइंट वेट्स चाहिए, कौन से जॉइंट वेट्स किस फॉर्म में चाहिए? इस फॉर्म में चाहिए, ये हमारे जॉइंट वेट्स हैं, हमें इसी की जगह रिप्लेस करने हैं, क्योंकि ये जॉइंट वेट्स तो किसी दूसरे मॉडल के हैं, रेफरेंस मॉडल के हैं, हमें अपने मॉडल के लिए जो जॉइंट वेट्स आएंगे वो हमें यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, अब मॉडल को यहाँ पर सेव कर देंगे इतना काम करने के बाद, और कट कर देंगे ऐसे। अब अपने मॉडल को रन करेंगे, अगर कोई एरर आती है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, और नहीं आती है तो जॉइंट वेट्स फाइंड आउट करेंगे। मॉडल रन जब तक नहीं हो पाएगा तब तक आप जॉइंट वेट्स नहीं ले पाएंगे। आपको दो काम करने हैं, पिन सपोर्ट और जॉइंट वेट के लिए जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको ऑन रखना है, बाकी सब ऑफ रखना है। इसे कट कर दिया हमने, कट करने के बाद आपको क्या करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाना है, क्योंकि आपका मॉडल रन हो गया है। जब तक मॉडल रन नहीं होगा पोस्ट प्रोसेसिंग में नहीं जाएंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग में क्लिक करा और जो भी विंडो खुल के आएगी आपको ओके कर देना है, आपको कुछ नहीं करना। ओके जैसे ही करेंगे अब आपको क्या करना है, उससे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी जॉइंट्स हैं आपके उनको सिलेक्ट करना है, उनको सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जर्नल में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और जो पिन सपोर्ट आपने लगाई थी उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे जितने भी जॉइंट्स हैं आपके ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, क्योंकि आपने जॉइंट्स पे ही पिन सपोर्ट लगाई थी। आपको ध्यान रखना है आपको पिन सपोर्ट जो फिक्स सपोर्ट है उससे जस्ट ऊपर जो जॉइंट शुरू हुए हैं उन पे लगानी है, नीचे वाले पे फिक्स सपोर्ट की जगह पे पिन सपोर्ट नहीं लगानी है, सिर्फ ऊपर स्ट्रक्चर में जितने भी जॉइंट्स हैं सभी पे लगानी है। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद अब जाएंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में, जाने के बाद आपको जाना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में जैसे ही जाएंगे नीचे लिखा हुआ है सपोर्ट रिएक्शंस, ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होता, बाद में आप भूल जाते हैं, उस टाइम लगता है कि हाँ क्लियर हो गया है, बाद में फिर आपको जो आपने नोट किया हुआ होता है वो काम आता है। ठीक है, ये जो विंडो खुलेगी इसमें आपको कहाँ जाना है, लोडिंग पे जाना है। लोडिंग पे जाने के बाद जितना भी ये लोड कॉम्बिनेशंस लोड केस हैं आपको सिलेक्टेड एरिया से आपको अवेलेबल एरिया में लाने हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे नीचे वाला कर्सर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें लोड जॉइंट वेट्स चाहिए, वो कौन से कॉम्बिनेशन के लिए चाहिए, वो कॉम्बिनेशन जो हमारा था 1000 कॉम्बिनेशन, उसका नंबर था 1000 डेड लोड प्लस 0.25 लाइव लोड के लिए। तो इसी को सिलेक्ट करके और यहाँ से ऊपर वाले साइन पे क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्टेड एरिया में ले आएंगे, ये सिलेक्टेड एरिया है। अब इसी के लिए देगा हमें जॉइंट वेट, अब हम ओके कर देंगे तो एक विंडो खुल जाएगी छोटी सी, इसमें आपको जॉइंट वेट्स मिल जाएंगे, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी आपकी जॉइंट वेट्स की। आपको क्या करना है, नोट पे क्लिक करना है राइट क्लिक माउस से, और लेफ्ट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ब्लैक से सिलेक्ट हो जाता है, फिर आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, और अपनी एक्सेल फाइल में इसको आपको पेस्ट करना है। कोई भी एक्सेल फाइल ओपन कर लेनी है, एक्सेल ओपन करके उसमें पेस्ट कर देना है सिंपली। पेस्ट करने के बाद आपको लोड केस जो है आपका, लोड केस में आपको रिप्लेस कर देना है लोड केस को वेट से। ये आपका लोड केस नंबर है, जो 1000 नंबर हमने लिया था जॉइंट वेट के लिए वो नंबर दिखा रहा है, इसे रिप्लेस करते हैं सबसे पहले वेट से। कैपिटल में लिखेंगे वेट, WEIGHT, क्योंकि हमें स्टेट प्रो को समझाने के लिए स्टेट प्रो की फॉर्म में ही जॉइंट वेट्स पुट करने होंगे। अगर हम इसी पूरी कहानी को जो हमारी स्क्रीन पे है इसको अगर हम पेस्ट करेंगे तो स्टेट प्रो नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो इसमें वेट लिखना है और वेट को फिर रिप्लेस कर देना है नीचे तक। बिल्कुल, ये हमने नीचे तक वेट कर लिया है। इधर जो आपके हैं ये नोड नंबर्स हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, फिर वेट वाली कॉलम आ जाएगा, फिर फोर्स एक्स डायरेक्शन, फोर्स एक्स डायरेक्शन और फोर्स जेड डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए, तो उन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। हमें सिर्फ फोर्स वाई डायरेक्शन चाहिए,
फोर्स वाई आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहा है, फोर्स वाई डायरेक्शन चाहिए, फोर्स एक्स और जेड नहीं चाहिए, और साथ में हमें मूवमेंट भी नहीं चाहिए, जो मूवमेंट है ना ये भी नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी ज़ीरो हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। सिर्फ हमारा नोड नंबर बचा है, वेट बचा है, और यहाँ पर फोर्स वाई डायरेक्शन में जो वर्टिकल फोर्स है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का लोड का फोर्स है, वो हमारा फोर्स यहाँ पर दे रहा है। अब हमें इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है नीचे तक, जहाँ तक हमारे जॉइंट वेट्स हैं, ये हमारे जॉइंट वेट्स हैं। इनको कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अब अपने स्टेट मॉडल में जाएंगे और एडिटर में जाएंगे। एडिटर कहाँ है? ये है एडिटर। इस एडिटर पे क्लिक करेंगे और अब कहाँ पर पेस्ट करेंगे? जहाँ पर हमने अर्थक्वेक की कमांड ली थी रेफरेंस के लिए। सिर्फ इसलिए ली थी ये कमांड ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये कमांड हमें जॉइंट वेट्स को पेस्ट कहाँ करना है। अगर हम कहीं और पेस्ट करते तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पेस्ट कर देते, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और लोकेशन में यहाँ पर पेस्ट करते, तो ये स्टेट टू हमको वार्निंग भी देता और एरर भी देता, तो हमको उसे फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हम, ठीक है। तो इसलिए पहले ही हमने एक रेफरेंस फाइल में देख लिया कि कहाँ पर अर्थक्वेक की कमांड होती है, ठीक है। जब आप समझ जाएंगे अर्थक्वेक की कमांड कहाँ होती है, आपको एडिटर याद हो जाएगा, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, ये हमने रेफरेंस फाइल से कॉपी किया है जॉइंट वेट्स, ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली, ठीक है। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे कहाँ पर? जॉइंट वेट्स की जगह, सिर्फ जॉइंट वेट्स की जगह पर इसे रिप्लेस कर लेंगे। अब आपको देखना है एक चीज़, जॉइंट वेट्स पेस्ट कर दिए हैं। अब हमारा जो ऊपर की लाइंस हैं ये तीनों, ये हमने बंद की हुई थी, इन्हें खोल देना है, ठीक है। और जो नीचे की लाइंस थी उन्हें भी खोल देना है, जितनी भी चीज़ें हमने बंद की थी उनको खोल देना है। ये हमने ओपन कर दिया, और ये लोड कॉम्बिनेशन थे इनको भी हमें ओपन कर लेना है। ये भी हाइट थे, इन्हें भी ओपन कर लिया, क्योंकि हमने जॉइंट वेट्स ले लिए हैं। अब हमारा अर्थक्वेक का जो कमांड्स है वो काम में आने वाली है। हाँ, आपने जॉइंट वेट्स के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी याद है आपको? नंबर वन, पिन सपोर्ट, जो कि पिन सपोर्ट है, इसका काम खत्म हो गया, इसको हमने क्लोज कर दिया पिन सपोर्ट को, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारा एक ऐसा लोड कॉम्बिनेशन जिसका नाम हमें 1000 दिया था, ये लोड कॉम्बिनेशन था, तो हमने इसको भी बंद कर दिया। इन दो चीज़ों की हमें जॉइंट वेट्स में ज़रूरत थी, जॉइंट वेट्स हम ले चुके हैं, इसलिए हमने इनको क्लोज कर दिया। बाकी जिन चीज़ों को हमने हाइड किया था उसको एक्टिव कर दिया, ठीक है, अनहाइड कर दिया। अब हम समझ लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा कि ये जॉइंट वेट्स क्या हैं, कॉम्बिनेशंस क्या हैं, ठीक है। ये अर्थक्वेक की कमांड क्या क्या है, हमने यहाँ पर डिफाइन से स्टार्ट करा है। ये अर्थक्वेक का कोड होता है 1893। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमने डिज़ाइन जो सिस्मिक एनालाइज के पैरामीटर्स हैं वो हमने यहाँ पर डिफाइन कराए हैं, वो क्या हैं समझ लेते हैं। इंडिया है, इंडिया को 5 जोन में कोड ने डिवाइड किया है, जोन 1, 2, 3, 4, 5। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी सिटी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे हम दिल्ली के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम दिल्ली के लिए हमने जो हमारा जोन है वो आप कोड में देखेंगे तो वो होगा 4th जोन। दिल्ली हमारा 4th जोन में आता है एज़ पर कोड। कोड जो IS 1893 पार्ट 1 है उसके लास्ट में आप देखेंगे तो सिटीज़ का नाम दिया हुआ है और उसके आगे जोन दिया हुआ है, और जोन के आगे जोन का फैक्टर भी दिया हुआ है। क्योंकि जब आप स्टेट प्रो को बताएंगे तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं दिल्ली से हूँ या दिल्ली के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप उस जोन का जो जोन है उसका फैक्टर लिखेंगे। फोर्थ जोन का फैक्टर है 0.24, तो यहाँ पर हमने 0.24 ले लिया, ठीक है। ये फोर्थ जोन के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर हम थर्ड जोन के लिए करते तो उसका फैक्टर है 0.16, तो यहाँ पर 0.16 करते। या हम किसी ऐसे सिटी के लिए कर रहे होते डिज़ाइन जिसका फैक्टर, जिसका जोन है सेकंड, तो उसका फैक्टर होता है 0.1, तो हम यहाँ पर 0.1 लिखते, ठीक है। उसके बाद है RF, रिडक्शन फैक्टर, ये भी आपको कोड में मिल जाएगा। आप जब कोड डाउनलोड करेंगे, बहुत ही इजीली आपको डाउनलोड हो जाएगा कोड 1893 पार्ट 1, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस कोड को, जो ये 1893 2016 है, उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो रेफरेंस मॉडल है जिससे मैं सारी चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ, ये मॉडल भी आपको मैं वहाँ पर दे दूंगा, जिससे आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकें, ठीक है। जब आप कोड ओपन करेंगे, PDF फाइल डाउनलोड करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो आप कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिडक्शन फैक्टर आपको नहीं मिल रहा कोड में, इतना बड़ा कोड है, तो आप कंट्रोल F करेंगे अपने कीबोर्ड पे और वहाँ पर लिखेंगे, छोटी सी विंडो खुल जाएगी, उस विंडो में लिखेंगे रिडक्शन फैक्टर, तो आपको खुल के आ जाएगा रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन फैक्टर शॉर्ट में लिखा हुआ होता है RF, स्टेट प्रो को समझाने के लिए, और उसके फैक्टर दिए गए हैं एज़ पर बिल्डिंग। नॉर्मल बिल्डिंग के लिए अलग है, हैवी बिल्डिंग के लिए अलग है, स्टील बिल्डिंग के लिए अलग है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने 5 लिया है, वो क्यों लिया है आप कोड में पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद है I, इंपॉर्टेंस फैक्टर,
ये भी आप कोड में सर्च करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंस फैक्टर मिल जाएगा। कहीं पर वन वैल्यू लेनी होती है इंपॉर्टेंस फैक्टर की, कहीं पर 1.2 लेनी होती है। 1.2 वहाँ लेनी होती है जहाँ पर कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जैसे कि हॉस्पिटल या स्कूल, जहाँ पर 200 या 200 से ज़्यादा पीपल आ सकते हैं बिल्डिंग में, 200 या 200 से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स आ सकें उस बिल्डिंग के लिए हम 1.2 लेते हैं इंपॉर्टेंस फैक्टर। हमारे केस में हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर 1 लिया हुआ है। आगे है SS यानी कि सॉइल टाइप। सॉइल टाइप भी 3 तरह की होती है, सॉइल टाइप में सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम। तो हमने मीडियम के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। सॉइल टाइप की सॉइल रिपोर्ट जो आती है उसमें दिया हुआ होता है कि कौन सी सॉइल आपकी है, सॉफ्ट है, हार्ड है या फिर मीडियम है। तो हमारी रिपोर्ट में मीडियम आया इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिया। अब हार्ड हार्ड के लिए जो होती है उसका जो फैक्टर होता है 1 होता है, मीडियम का 2 होता है और सॉफ्ट का 3 होता है। तो मीडियम के लिए हमने यहाँ पर 2 ले लिया। हर एक चीज़ का यहाँ पर फैक्टर दिया गया है कोड में, उस फैक्टर को ही आपको यहाँ पर पुट करना है क्योंकि स्टेट प्रो कोड समझता है। कोड कौन सा, जो इसने आप डिफाइन कराया हुआ है हमने 1893, इस कोड में जो जो फैक्टर होंगे आप डालेंगे अपने आप समझ जाएगा। अगर आप कुछ और डालेंगे, सिटी का नाम डालेंगे, सॉइल का अगर आप लिखना चाहें यहाँ पर कि सॉफ्ट सॉइल के लिए कर रहा हूँ तो नहीं लेगा, आपको फैक्टर ही डालना है, वो कोड में देखना है। जब तक आप कोड नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सॉइल टाइप और उसके आगे स्ट्रक्चर टाइप, स्ट्रक्चर टाइप 1, ये क्या है, स्ट्रक्चर टाइप भी दिया हुआ है। अगर स्टील स्ट्रक्चर है तो 2 लेना है और RCC स्ट्रक्चर है तो 1 लेना है। हमने हमारे केस में RCC स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो 1 है। आगे DM, शॉर्ट में DM लिखा हुआ है। अब ये DM क्या है आप सर्च करेंगे कोड में तो DM है डैम्पिंग रेशियो। ये होता है .05 यानी कि 5% होता है। ये फिक्स है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आप कोड पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि 5% डैम्पिंग रेशियो लेना है जो कि फिक्स है, कम या ज़्यादा नहीं है। आगे आप देखेंगे तो ये जॉइंट वेट, जब तक आप ये जॉइंट वेट कैपिटल में नहीं लेंगे, जॉइंट वेट से ऊपर नहीं लिखेंगे तब तक आपको एरर देगा। इसलिए आपको ये जॉइंट वेट्स पुट करने से पहले या बाद में चेक कर लेना चाहिए कि जॉइंट वेट कैपिटल में लिखा हुआ है या नहीं, उसके बाद ही ये जॉइंट वेट्स यहाँ पर आप पुट करें। ये हमने जॉइंट वेट्स वही जो कॉपी पेस्ट करे हुए हैं। उसके बाद है यहाँ पर लोड 1 और लोड 2। ये क्या है, यहाँ पर लोड 3 हमने डेड लोड लिया हुआ था, लोड 4 हमने लाइव लोड लिया हुआ है। ये ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूँ डेड लाइव पे कैसे एनालाइज करते हैं, बहुत सी वीडियो है मेरी डेड लाइव की, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सिस्मिक एनालाइज करना है, वो भी स्टैटिक मेथड से। डायनेमिक मेथड भी एक होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि अब जो इंडियन स्टैंडर्ड का लेटेस्ट कोड है उसने बोला हुआ है कि अगर आपकी बिल्डिंग 15 मीटर से ऊपर है यानी 15 मीटर से ज़्यादा उसकी हाइट है और वो जोन सेकंड में है तो आपको डायनेमिक करना है, जोन यानी अर्थक्वेक जोन, तो आपको डायनेमिक ही करना है। और आपकी बिल्डिंग चाहे वो एक फ्लोर हो, दो फ्लोर हो, छोटी हो, बड़ी हो, वो जोन 3 और जोन 4 में है, उसको हाइट से कोई मतलब नहीं है। जोन 3 और जोन 4 के लिए आपको डायनेमिक ही करना है, ठीक है, स्टैटिक करना ही नहीं है। लेकिन स्टैटिक भी आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आज स्टैटिक की वीडियो बना रहा हूँ, डायनेमिक की वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोड केस 1 और लोड केस 2 क्या है ये समझ लेते हैं। लोड केस 1 हमने अर्थक्वेक सिस्मिक, ये जो आप देख रहे हैं EQX जो सिस्मिक एनालिसिस हमने यहाँ पर कर रहे हैं, तो अर्थक्वेक अगर एक्स डायरेक्शन से आएगा तो उसका लोड केस यहाँ पर हमने दिया है। तो ये हमने कॉपी पेस्ट किया है सिर्फ रेफरेंस फाइल से, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसको। सिर्फ हमने लोड केस 1 नाम दिया हुआ है इसका लोड का, ताकि हमें लोड कॉम्बिनेशन में आसानी हो जाए। हर एक लोड कॉम्बिनेशन में हमें डालना होगा लोड केस का नंबर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नंबर देना ज़रूरी होता है। और ये है हमारा कोड 1893, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह लोड केस 2 EQZ ये दूसरी डायरेक्शन का है, ठीक है। अगर अर्थक्वेक आता है तो उसका भी यहाँ पर ये दिया गया है और ये नीचे उसी का कोड दिया गया या, ठीक है। ये लोड केस 1 लोड केस 2 ये अर्थक्वेक के हैं, उसके बाद लोड केस 3 डेड लोड है, उसके बाद लोड केस 4 ये हमारा लाइव लोड है, ये भी एज पर कोड हमने लाइव लोड लगाया है, जो इंडियन स्टैंडर्ड का लाइव लोड का कोड होता है IS 875 Part 2, उसी के अकॉर्डिंग लगाया है। और ये वाला जो डेड लोड है ये भी हमने IS 875 Part 1 जो डेड लोड का कोड होता है उसी के अकॉर्डिंग लगाया है, क्योंकि उसमें मटेरियल्स की डेंसिटी दी होती है, हमें कैलकुलेट करनी होते हैं जो स्लैब की थिकनेस है, फिनिश फ्लोर की थिकनेस है, ये सारी चीज़ें थिकनेस की कैलकुलेशन करके उसका वेट यहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये हमारा वो कॉम्बिनेशन है जो हमें जॉइंट वेट्स में ज़रूरत पड़ी थी, जिसकी उसका नंबर हमने 1000 दिया था, 1000 और यहाँ पर डेड लोड और 25% लाइव लोड लिया था सिर्फ यहाँ पर, जो कोड में लिखा हुआ है। अगर आप कोड पढ़ेंगे इसी कोड में 1893 में कि हमें लाइव लोड 25% ही लेना है। अगर क्यों लेना है 25%, इसकी भी कंडीशन है, अगर आपका लाइव लोड 3 किलोन्यूटन से ज़्यादा है तो आपको 50% लेना होगा, फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा 0.5 और यहाँ पर भी चेंज करना होगा 0.25 की जगह। लेकिन अगर आपका लाइव लोड 3 है और 3 से कम है तो आपको 25% लेनी है। यहाँ पर हमने 0.25 लिया क्योंकि हमारा लाइव लोड 2 किलो न्यूटन है ज़्यादातर एज पर कोड, क्योंकि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कम है, ठीक है।
उसके बाद हमने ये कॉम्बिनेशन हैं जो हमने रेफरेंस फाइल से कॉपी किए हैं, वो रेफरेंस फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसको क्या करना है ये आपको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। 10 से लेके 18 तक अनफेक्टेड लूट कॉम्बिनेशन से। अब सवाल आता है कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन हैं इनमें जो आप देख रहे हैं फैक्टर हैं, इनमें सब में फैक्टर दिए गए, इन कॉम्बिनेशन के नाम दिए गए हैं 10, 11, 12, 13, और यहाँ पर बताया भी गया है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं। अब हमें जो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन हैं वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है? तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम चाह रहे हैं अगर डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक के लिए एक साथ एनालाइज करना, तो हम लोड केस से कैसे करेंगे? लोड केस में तो सिर्फ डेड लोड है या तो, या फिर सिर्फ लाइव लोड है, या सिर्फ अर्थक्वेक है, तो या तो सिर्फ अर्थक्वेक के लिए करेगा, या फिर डेड के लिए करेगा, या फिर लाइव के लिए करेगा, जो भी मैक्सिमम होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन बना के हमने इन सब लोड को एक जगह कर दिया, यानी कि अगर तीनों लोड, डेड लोड भी, लाइव लोड भी, अर्थक्वेक भी एक साथ अप्लाई हो रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर पे, तो हमारे तब हमें डिज़ाइन चाहिए, उस क्रिटिकल कंडीशन का डिज़ाइन चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमें लोड के, अब ये डेड लोड और लाइव लोड के लिए चाहिए। तो ये भी एज पर कोड है IS 875 Part 5 में भी दिए गए हैं ये, और आपको 1893 में मिल जाएंगे लोड कॉम्बिनेशन। ये एज पर कोड है, कोड ने बनाए हुए हैं, फिक्स हैं, इसीलिए हमने इन्हें कॉपी कर लिया रेफरेंस फाइल से सीधा, ठीक है? हाँ, इसके नीचे जो फैक्टर्ड है ये हमें बहुत ज़रूरी है यहाँ पर लिखना, क्योंकि स्टेटरों को बताना है तीन नंबर क्या है। तीन नंबर है डेड लोड, चार नंबर हमने क्या लिया है, लाइव लोड लिया है चार नंबर, और एक नंबर हमने क्या लिया है, अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन लिया है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी भी है, इसे बताना भी है कि हमने डेड लोड 100% चाहिए। 100% मतलब 1.0 यानी 1 यानी 100%। अगर 25% या 50% लेना है तो यहाँ पर 50% के लिए 0.5 और 25% के लिए 0.25। ये हमारा लोड केस है और इसके फैक्टर है। फिर ये लोड केस नंबर है उसके आगे चार नंबर, और ये उसका फैक्टर है आगे। फिर ये लोड केस नंबर है, ये उसका फैक्टर है। सभी में ऐसा है, आप किसी में भी चेक करेंगे, लोड केस है फिर उसका फैक्टर है, फिर लोड केस है फिर उसका फैक्टर है स्पेस के बाद, ठीक है? ये माइनस क्यों लिखा हुआ है हमने, क्योंकि EQX और EQZ दो डायरेक्शन होती है, एक एक्स प्लेन, एक एक्स और एक जेड, और जेड के अपोजिट डायरेक्शन, अगर जेड के सामने आप करेंगे तो जेड एक साइड तो प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताया, जो स्टेट प्रो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें बताया है कि एक्स प्लस जो होता है किस साइड होता है, राइट साइड में होता है, एक्स माइनस लेफ्ट साइड में होता है। इसी तरह जेड नीचे की साइड में जेड प्लस होता है, ऊपर की साइड में जेड माइनस होता है। तो अगर चारों साइड से अर्थक्वेक आता है किसी भी डायरेक्शन से, क्योंकि एक साथ तो चारों साइड से नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन से आएगा, तो हम क्रिटिकल के लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए करते हैं। तो इसलिए चारों साइड का यहाँ पे अर्थक्वेक EQX प्लस में और EQZ प्लस में, EQX माइनस में भी और EQZ माइनस में भी, यहाँ पर हमने प्लस माइनस दोनों ही साइन लिए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों ही साइन हमने लिए हुए हैं। हर एक कंडीशन के लिए हम तैयार हैं, किसी भी साइड से अर्थक्वेक आ जाए, डेड लोड और लाइव लोड ऑलरेडी लिए हुए हैं, उसका कैलकुलेशन किए हुए हैं, अप्लाई किए हुए हैं अपने स्ट्रक्चर पे। ये हमारे अनफेक्टेड लोड कॉम्बिनेशन हैं जो रिएक्शंस के लिए काम आएंगे, जब हम फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे उसकी रिएक्शंस लेंगे तो उस टाइम काम आएंगे, ठीक है? क्यों काम आएंगे, उसके लिए हम जो रिएक्शंस लेते हैं वो अनफेक्टेड के लिए ही लेते हैं। बाद में जब हम मैनुअली डिज़ाइन करते हैं रिएक्शन से, फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं, तब वहाँ पर फैक्टर लगाते हैं, वो एज पर डिज़ाइन लगाते हैं, डिज़ाइन जो भी कंडीशन है उसकी फॉलो करके लगाते हैं, ठीक है? फुटिंग डिज़ाइन के लिए नीचे जो कॉम्बिनेशन है 19 से जो स्टार्ट हुए, हर एक कॉम्बिनेशन का नाम है 19 से 31 तक, ये हमारे फ्रेम डिज़ाइन, जो हमारा बीम और कॉलम है, फ्रेम है, उसको डिज़ाइन करने के कॉम्बिनेशन हैं। ये फैक्टर्ड क्यों लिए हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.5, 1.2, यहाँ पर भी देखेंगे 1.4, 1.5, या 100% नहीं लिए, ये डेढ़ गुना लिए हैं, कहीं पर 1.2 लिया है, इनका मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 से, कहीं पर 0.9 अलग अलग लिया हुआ, ये भी एज़ पर कोड है। तो हमें अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है वो सेफ्टी ऑफ फैक्टर लेके चलना होता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम के लिए करना है। हमें ऐसा ना हो कि हमारा वेट किसी कंडीशन में थोड़ा सा बढ़ जाए और हमने पूरा वेट कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है? या अर्थक्वेक थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, हालांकि इस पर फिक्स है अर्थक्वेक का, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने फिक्स कर दिया जोन वाइज, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी ऑफ फैक्टर लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये हमने सारे फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। अब स्टेट प्रो को बताना पड़ेगा कि आपने जो अपना फ्रेम डिज़ाइन करना है वो अनफैक्टर्ड के लिए करना है या फैक्टर्ड के लिए करना है। तो हमें फैक्टर्ड के लिए करना है अपना फ्रेम डिज़ाइन, फैक्टर्ड के लिए। तो यहाँ पर लिखना होता है कैपिटल में परफॉर्म एनालाइज, ये परफॉर्म एनालाइज कैपिटल में लिखना मस्ट है। जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, सॉरी तब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपका ये एरर देगा, इसलिए आपको लिखना मस्ट है। और उससे नीचे लोड लिस्ट में 19 to 31 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लोड लिस्ट यानी लोड कॉम्बिनेशन के नंबर हैं। हमने इसे बताया हुआ है कि 19 से लेकर
और 31 तक के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फ्रेम उन्हीं लोड कॉम्बिनेशन के लिए डिज़ाइन करेगा जो क्रिटिकल है। ठीक है, हमें तो क्रिटिकल लोड कॉम्बिनेशन ही चाहिए ना, जो गवर्न कर रहा है वही चाहिए ना हमें तो कॉम्बिनेशन, तो हम वही लेंगे। मतलब स्टेट प्रो अपने आप ही लेगा अगर आप उसे डिफाइन करा देंगे 19 to 31, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस फैक्टर्ड हैं तो हमने यहाँ डिफाइन करा दिया। उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं लोड कॉम्बिनेशन, फिर से कॉम्बिनेशन क्या आ गए, छोटे छोटे दो कॉम्बिनेशन 5 और 6, क्योंकि ये हमने मॉडल ऑलरेडी डेड लाइव पे क्या हुआ था, सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के दिखाया था आपको ये, ठीक है, तो उसी के कॉम्बिनेशन है डेड लाइव वाले, ये हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमने अर्थक्वेक के लगा लिए हैं कॉम्बिनेशन, अब हमें डेड लाइव के नहीं चाहिए और ये कॉम्बिनेशन भी इसमें ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इन्हें ऑफ कर दिया। अब ये फिर से परफॉर्म एनालाइज लिखा हुआ है, ये इन्हीं के लिए लिखा हुआ था जब हम डेड लाइव कर रहे थे, और ये लोड लिस्ट 6 भी डिफाइन किया हुआ था, जैसे हमने लोड लिस्ट 19 to 31 डिफाइन कराया, इसका लोड के 6 था तो इसलिए 6 डिफाइन कराया था हमने डेड लाइव के केस में, सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन बनते हैं डेड लाइव में जब आप डेड लाइव के लिए कर रहे हैं, और अर्थक्वेक के लिए इतने सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, तो इनको इसको भी हम ऑफ कर देंगे जो परफॉर्म एनालाइज और लोड लिस्ट 6 लिखा हुआ है, ऊपर का परफॉर्म एनालाइज रहने देंगे और ये लोड लिस्ट जो डिफाइन कराया उसे रहने देंगे। नीचे आपका स्टार्ट कॉन्क्रीट डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन की कमांड है जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखाया हुआ है कि कैसे डिज़ाइन की कमांड लेते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपसे डिज़ाइन कमांड नहीं आती, ठीक है, तो हम सब सीख गए आज की वीडियो में, ज्योमेट्री बनाना भी सीख गए, ज्योमेट्री भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ ज्योमेट्री के, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने अर्थक्वेक की कमांड लगा ली पूरी, अर्थक्वेक की कमांड के बाद हमने यहाँ पर लोड भी है हमारे, लोड के बाद यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ गया, कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पर डिज़ाइन आ गया, इसे सेव कर देंगे, सेव करने के बाद कट कर देंगे, बस आपको इतना सा ही काम करना था। अब इसमें देख रहे हैं आप 1000 एरर्स आ गई, अब इन एरर को देखते हैं कि क्या एरर है, क्यों आ रही है एरर, तो जब आप एरर ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, जब आप डबल क्लिक करेंगे कहीं पे भी एरर पे आप डबल क्लिक करेंगे तब आपको देखेंगे कि आपको एरर कहां पर आ रही है। अब आपको पता चल गया कि यहां पर कहीं पर एरर आ रही है, ये एरर क्यों आ रही है इसे देखने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारा क्या हुआ, डिफाइन 193 लोड जोन रिडक्शन फैक्टर इंपॉर्टेंस फैक्टर सॉइल टाइप स्ट्रक्चर टाइप डैम्पिंग रेशियो जॉइंट वेट कैपिटल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमने 1 जॉइंट नंबर भी लिए हुए हैं, वेट के साथ में हमने यहाँ पर जॉइंट लोड भी लिए हुए हैं जो उसका लोड है। उसके बाद भी यहाँ पर एरर दे रहा है, एरर रिमूव करने की कोशिश करेंगे कि एरर है क्या, क्योंकि मैक्सिमम केस में इस टाइप के एरर नहीं देता, एरर तभी देता है जब हम जॉइंट वेट ऊपर ना लिखें कैपिटल में, लेकिन ऑलरेडी हमने वो लिखा हुआ है जॉइंट वेट 1893 यहाँ से स्टार्ट है, और सपोर्ट जोन की लाइन आ गई, फिर कैपिटल में जॉइंट वेट लिखा हुआ है। अगर हम नीचे देखेंगे तो हमारा लोड केस 1 लोड केस 2 और लोड केस 3 डेड और लाइव, और ये हमने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, 10, 11, 13, 14 यहाँ तक चल रहा है, 19 to 31, और ये हमने ऑलरेडी ऑफ किया हुआ है स्टार्ट कॉन्क्रीट डिज़ाइन बोर्ड इंडिया कॉन्क्रीट डिज़ाइन। परफॉर्म एनालाइज भी हमने ठीक कमांड दी हुई है, और जो लोड कॉम्बिनेशंस हैं वो भी हमारे एकदम ठीक हैं, क्योंकि हमने रेफरेंस फाइल से कॉपी किए हैं, लोड कॉम्बिनेशन 1000 डेड लोड 0.25 लाइव लोड 314.25 परफॉर्म एनालाइज, ठीक है। उसके बाद लाइव लोड हमारा ठीक, डेड लोड हमारा ठीक, फिर ये एरर क्यों दे रहा है, एरर के लिए देखते हैं, लोड किट्स 1 जॉय वेट उसकी वेट की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक है, और फिर से सेव करके फिर से देखने की कोशिश करेंगे। सॉरी, अच्छा यहाँ पर आपने देखा ये पिंड सपोर्ट जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है पिंड सपोर्ट, क्योंकि फिक्स सपोर्ट यहाँ पर एंड हो गई, फिक्स के बाद जो दो लाइन है ये दोनों पिंड सपोर्ट की हैं, और हमने जब पिंड सपोर्ट हाइड किया था ऑफ किया था तो हमने सिर्फ एक लाइन कर दी थी, जबकि हमें दोनों लाइन ही करनी है, ये नहीं समझ पा रहा था कि जो मेंबर्स हैं ये किस लिए हैं, अगर पिंड ओपन होता तो समझ जाता कि पिंड सपोर्ट के लिए हैं, तो इसको हमें ऑफ कर देना है, यहाँ से इन दोनों लाइन्स को ऑफ कर देंगे, जब तक आप ऑफ नहीं करेंगे इनको, एक को ऑफ करेंगे तो आपने देखा वार्निंग आई, तो वार्निंग किसी भी कंडीशन में आ सकती है, अगर यहाँ पर जॉइंट वेट लिखना भूल जाते तब भी आ जाती, यहाँ पर अगर अर्थक्वेक की कोई कमांड भूल जाते तब भी आ सकती थी, यहाँ पर डिफाइन करना भूल जाते तब भी आ सकती थी, बहुत सारी कंडी, आप किसी गलत लोकेशन में इसको पेस्ट कर देते तब भी आ सकती थी, तो यहाँ पर हमने देखा कि आप जब भी
आपकी वार्निंग या आपकी एरर आए, आप एरर पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको जहाँ पर भी एरर होगी उसी के आसपास वो पहुँचा देगा स्टेट प्रूफ। फिर आपको खुद देखना है, आपसे स्टेट प्रूफ का जो एडिटर है वो पढ़ना आना चाहिए, तभी आप एरर निकाल पाएंगे। तो हमने समझ गए, क्योंकि पिंड सपोर्ट यहाँ पर हमने सिर्फ क्योंकि पिंड सपोर्ट हमने जॉइंट वेट के लिए ली थी, जॉइंट वेट हमारे हो चुके थे, हमने उसको ऑफ़ किया था, तो सिर्फ एक ही लाइन ऑफ की थी नीचे की डबल लाइन, यानी दोनों लाइन जो कि दोनों पिंड सपोर्ट की थी उसको दोनों को ऑफ नहीं किया था, ठीक है। तो आप एरर निकालना भी समझ गए कि कैसे एरर निकलती है। अब इसको सेव करेंगे और कट करके देखेंगे कि अब तो कोई एरर नहीं आ रही, अब हमने देखा अब कोई भी एरर नहीं है। अब रन करेंगे अपने मॉडल को, यहाँ पर रन में जाएंगे और रन पे क्लिक करेंगे। अब फाइनली रन हो रहा है हमारा मॉडल, क्योंकि हमने कंप्लीट डिज़ाइन भी कर लिया, ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ था और सिस्मिक एनालाइज भी कर लिया है। बस रन होने के बाद हम जो रेनफोर्समेंट कंपेयर करने वाले थे उस रेनफोर्स का कंपेरिजन देखेंगे, ठीक है। ये रन हो चुका है हमारा मॉडल, इसमें 25 वार्निंग्स दिखा रहा है, वो हम देख लेते हैं क्या है। आप देखेंगे 25 वार्निंग्स, वार्निंग में जाएंगे और ये सेक्शन फेल, यानी कि जो आपके बीम्स हैं वो फेल हो गए। आपने देखा कितना जो आपका डेड लोड लाइव लोड था उसमें आपके यही बीम पास हो रहे थे, और यहाँ पर आपके घिस में जो हमने सिस्मिक एनालाइज किया है इसमें फेल हो गए। क्यों? क्योंकि रेनफोर्समेंट बढ़ गया तो उसको साइज़ भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अब अपने बीम्स का साइज इंक्रीज़ करना होगा। उसके लिए समझ लेते हैं कैसे करना है। जनरल में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, जहाँ पर हमने प्रॉपर्टी दी थी, सिलेक्ट करके देखेंगे कौन से बीम का साइज़ है। ये वाला बीम का है, बीम के साइज़ पे डबल क्लिक करेंगे और इस प्रॉपर्टी को बढ़ा देंगे। 230x400 लिया था हमने अपने केस में, अब यहाँ पर 300x600 करके देखते हैं। हालांकि इससे कम भी करके देखते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए, क्योंकि आपको रिजल्ट भी दिखाना है मुझे, तो मैंने डायरेक्टली थोड़ा सा ज़्यादा साइज ले लिया है। आपके केस में आप 230x450 भी करके देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। अब हम रन करेंगे अपने मॉडल को और देखेंगे, अब तो वार्निंग नहीं आ रही है जो फेल की वार्निंग आ रही थी। कितना इंटरेस्टिंग है, देखा आपने कि सिस्मिक एनालाइज में फेल हो गया वही बीम और डेड लाइव में पास था। इसीलिए सिस्मिक एनालाइज करना कितना ज़रूरी है कि जब अर्थक्वेक आएगा तो आपकी बिल्ड स्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अब वार्निंग नहीं है, अब इसे कट कर देंगे। अब क्या है, अब आपको सेम बीम और कॉलम हमें चेक करने हैं। आपने देखा है प्रॉपर्टी आपके सामने शो हो रही है जो आपको परेशान कर रही है और ये जा भी नहीं रही है। उसके लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके डबल जे प्रेस करेंगे, जे जे। तो आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी जा चुकी है यहाँ से, ठीक है। जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, अब वही बीम और कॉलम चेक करने हैं और उनके साइज़ देखने। तो बीम के साइज़ तो हमने बढ़ा दिया, तो बीम में तो कंपेरिजन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइज़ बढ़ गया तो रेनफोर्समेंट का जो परसेंटेज है वो आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि साइज़ बढ़ चुका है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ चुका है, तो जो परसेंटेज ऑफ स्टील मिलता है वो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का ही मिलता है, तो उसमें सेम कंपेरिजन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइज़ बढ़ा चुके हैं। हाँ, हम कॉलम का कंपेरिजन कर सकते हैं, कॉलम के साइज़ सेम है जो थे पहले से, वही है। अब डबल क्लिक करके नीचे से देखते हुए जाएंगे कि कितना है। अब आपने देखा यहाँ पर 9.6 है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके ऊपर है 17, यानी 17.5 18 10 18 13। अब यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू जो हमने यहाँ पर लिया था, 10 यहाँ पर लेंगे, 10 यहाँ नहीं यहाँ पर लेंगे, 10 18 और आगे देखेंगे फिर कितना था, 12 की जगह 13 16 और 18 13 16 18 18 13 16 18 18। ये हमने यहाँ पर सिस्मिक एनालाइज से जो रेनफोर्समेंट आया है सेम कॉलम में सेम साइज़ में, वो हमने यहाँ पर उसका रेनफोर्समेंट लिख लिया कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा सिर्फ डेड लाइव का था, जो हमने डेड लाइव पे एनालाइज किया था वो था। तो आपने देखा कितना डिफरेंस आ गया दोनों के रेनफोर्समेंट में, ठीक है। तो आपकी स्ट्रक्चर जो डेड लाइव में था वो रेडी नहीं था जोन फोर के लिए, ठीक है। तो अगर अर्थक्वेक आता तो आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता था, उसमें क्रैक्स आ सकती थी। अब जो हमारा सिस्मिक एनालाइज से जो स्टैटिक मेथड से हमने एनालाइज किया है, इसमें हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो गया, लेकिन एज पर कोड अभी भी सेफ नहीं हुआ। लेटेस्ट कोड जो हमारा ओल्ड कोड था IS 1893-2002, उसमें ये था कि अगर आपका 40 मीटर से ऊपर है स्ट्रक्चर तभी आप डायनेमिक करेंगे, नहीं तो आप स्टैटिक ही करेंगे। लेकिन हमारे जो नया कोड है जो 2016 है, 1893-2016, उसमें ये क्लॉज है कि आपको अगर 14 आपका लोड के थर्ड और फोर्थ में आता है, सॉरी जोन थर्ड और फोर्थ में आता है तो आपको डायनेमिक करना ही है। तो अभी हमें एज पर कोड सेव नहीं हुए हैं, हम सिर्फ
सिस्मिक एनालाइज करके हमने देखा है कि स्टैटिक में कितना डिफरेंस आता है। अब डायनेमिक में करके उसके आगे लिख के देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तीनों में सेम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि स्टैटिक और डायनेमिक और डेड लाइफ तीनों में कितना डिफरेंस है रेनफोर्समेंट में सेम कॉलम में। ठीक है, तो समझ में आ गया आपका आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।